हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोरल ड्रॉ। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एयरटेल का लोगो बताया, आज हम आपको हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का लोगो बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने जूम करके बड़ा किया, फिर मैंने एक गोल सर्कल इस टाइप से ले लिया। उसके बाद देखना, गाइडलाइन सेट करेंगे। देखो, बिल्कुल सीध में होना चाहिए। फिर ध्यान रखना, इसके भी एक हमने सीध में कर दिया। इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने और एक नीचे से ले लिया कि कितना मुझे गैप रखना है, इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे और एक स्क्वायर टाइप के हमने यहाँ पे बना लिया, मतलब इस स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है सर्कल को। अब देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नाइफ टूल का यूज़, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इरेजर का यूज़। इरेजर का क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पे थोड़ा सा हमने छोटा किया इरेजर का पॉइंट, जितना आपको नीड है। फिर मैंने देखो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक किया, बिल्कुल गाइडलाइन के सेटअप के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक किया, फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल किया, देखो इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से मैंने उठा के पूरा यहाँ पे छोड़ा, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से लेना है इस तरीके से। पहले मैंने पॉइंट में क्लिक किया, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सॉरी नोटिफिकेशन इरेजर का लेना है, यहां से ले लीजिए आप, यहां से भी लेके आ सकते हो बाहर से, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में करके क्लिक। ये देखिए, अब ये हमारा इतना हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर पूरा क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन इसके अंदर हमारा कौन सा कलर होता है, डार्क ग्रीन। तो हमने डार्क यहाँ से स्मार्ट फिल टूल से यहाँ से डार्क ग्रीन ले लेते हैं। ये देखिए, ये चल जाएगा इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसका माउस थोड़ा सा फ्री है, मैं नेक्स्ट टाइम उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा माउस के थ्रू मैं बता सकूं, इसलिए बार बार दो बार रिपीट हो रहा है, फिल आउट हो रहा है, बार बार हट रहा है। अब मैंने देखिए इसे हटा दिया इसे, तो वर्चुअल डिलीट से आप जितना सेलेक्ट करते हो उतना हट जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें अब इसमें गाइडलाइन सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके बराबर के ऊपर के हिस्से में लेके और फिर इसके यहाँ से इतना हिस्से में लेके। यहाँ पे मुझे एच को टाइप करना है, एच। अब जब एच कैपिटल में आएगा और एच को हमने यहाँ से बड़ा कर दिया, फ्री हो रहा है माउस, बहुत तकलीफ हो रहा है बनाने में, फिर भी मैं स्टूडेंट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा इस तरीके से। अब इस पर भी मुझे कलर करना है यही सेम। सेम कलर करने के लिए हमें सेम वहीं पे जाना होगा, ओवर राइट कर दिया मैंने, राइट। फिर स्टूडेंट्स हमने इस एरिया को पूरा सेलेक्ट करके, अब आप यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, यहाँ पे क्रॉस के ऊपर देखिए नॉर्मली आ गया। अब आप यहाँ से गाइडलाइंस हटा दीजिए, व्यू में जाके देखो बिल्कुल सिंपल आ गया। अब हम यहाँ पे इसको जूम करते हैं, सेलेक्ट करके जूम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदुस्तान, लेबर कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड। तो ये हमारे कंपनी का नाम है और हिंदुस्तान लेबर कंपनी लिमिटेड इस तरीके से हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। F3 मैंने छोटा किया और उसके हिसाब से ये आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा छोटा होता है। अब हमें इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रुप करना होता है स्टूडेंट्स। देखो ग्रुप कैसे करते हैं, पहले मैं थोड़ा छोटा कर दूं, यहाँ से हमें ग्रुप करना होता है। ये हमारा ग्रुप ऑप्शन होता है, ग्रुप कंट्रोल जी करके भी कर सकते हो। इस पर थोड़ा ड्रॉप शैडो डाल देते हैं स्टूडेंट, ड्रॉप शैडो देखो कैसे डाली जाती है। यहाँ से हमने ये वाला स्टेप ले लिया, फिर हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर दिया और इसको यहाँ से छोटा करके यहाँ पे ऐसे कर दिया, इस तरीके से हल्का सा ऐसे। आई होप स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड कंपनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।